अब ये नोट कर लीजिए, हिदायत और जलालत इस दुनिया में जो मुख्तलिफ हालतें इंसान पर तारी होती हैं, या नेमतों की बारिश हो रही है, या तंगी है, फक्र है, एहतियाज है, दुनियावी हैसियत है, वजाहत है, या दुनिया में गुमनामी है, कसनवी फुर्सत के भैया किस थी, कोई आपका हाल ही नहीं पूछ रहा कि तुम हो कौन, तुम्हारे मुंह में कितने दांत हैं, या ये कि दुनिया में इख्तदार की किसी मुस्नद पर इंसान बैठा है, या ये कि कोई उसके हाथ में इख्तियार नहीं, ये तमाम जो हालात इंसान पर तारी होते हैं, इनके जवाब में जो तर्ज अमल फिक्री एतबार से और अमलन इंसान इख्तियार करता है, उसके चार दर्जे हैं। पहला दर्जा है इंतहाई गुमराही, गल्ला गलालम बईदा। वो क्या है? अगर इज्जत हुई, नेमतें मिली, फलां देवी या देवता की निगाह करम है, उसकी कृपा से ये हो गया, और अगर कोई तकलीफ आ गई, मुसीबत आ गई, मालूम होता कि फलां देवी या देवता हमसे नाराज हो गया, ये काली देवी की तरफ से कोई मुसीबत आ गई है, या ये कि ये लक्ष्मी देवी की निगाह करम है कि हमें दौलत मिल गई है, ये तो है शिर्क। शिर्क होने के एतबार से यह गल्ला गलालम बईदा, इंतहाई पस्ती। इस पस्ती से ऊपर आएंगे तो तौहीद की पहली मंजिल है। इज्जत दी, अल्लाह ने दी, अगर कोई तंगी आ गई, फक्र, तकलीफ, कोई जिल्लत, रुसवाई, ये भी अल्लाह की तरफ से। एक एतबार से तो इंसान हिदायत पर आ गया, बड़ी गहराई थी उस गंदगी की और उस खबासत की जो शिर्क जिसका नाम है, उससे इंसान निकल आया, नजासत से। तौहीद तो है, लेकिन अभी इसमें इसकी गुमराही का एक एलिमेंट शामिल है, और यह गुमराही से जब तक आगे नहीं आएगा, ऊपर नहीं उभरेगा, उसका तर्ज अमल क्या होगा कि जरा कुछ मिल गया, इज्जत मिल गई, फूले नहीं समा रहे, अब जमीन पर कदम नहीं टिक रहे, गर्दन अकड़ रही, कहीं महरूमी हो गई, कोई तकलीफ आ गई, कोई मुशक्कत, फक्र आ गया, अब बुझ कर रह गए। इन दोनों कैफियात में इंसान का पेंडुलम जो है वो एक्सट्रीम को जाएगा। ये कब होगा? जबकि इंसान ये समझता है कि इस दुनिया में जो दौलत मिल गई या इज्जत मिल गई तो ये गोया कि बड़ी कोई काबिल फख्र शय है, और अगर यहां पर कोई तकलीफ आ गई, कोई मुसीबत आ गई, फक्र फाका आ गया, तो ये गोया के बहुत ही एहानत आमेज शय है। अगर ये इंसान समझेगा तो तर्ज अमल वो निकलेगा नतीजे के तौर पर जो मैं बयान कर चुका हूं, ये गुमराही है। इस गुमराही से निकलेंगे तो आप किस मकाम पर आए? दूसरी मंजिल हिदायत की क्या है? न ये इज्जत है, न ये जिल्लत है, दोनों हैसियतें बराबर हैं, कि ये इम्तिहान है। इसीलिए दोनों आयतों में एक लफ्ज कदर मुश्तरक है, इज़ा मब्तला हो फामल इंसान हो, इज़ा मब्तला हो रब्बहु फाकरमहु व नअमहु, ये भी एक इब्तला है, आजमा रहा है अल्लाह, कभी वो देकर आजमाता है, कभी छीन कर आजमाता है, कभी फक्र फाका से आजमाता है, कभी वो कसरत दौलत और कसरत माल से आजमाता है, कभी वो सेहत देकर आजमाता है कि ये कुव्वत और तवानाई और सेहत जो मैंने दी है ये इसमें क्या करता है, कभी वो मर्ज के जरिए से आजमाता है कि सब्र करता है कि नहीं करता, हमारे लिए शिकवा और शिकायत तो इसके दबाव पर नहीं आ जाती, नाला और शैवन तो नहीं आ जाता, तकलीफ झेलता कि नहीं झेलता, इसमें तहम्मुल है कि नहीं है, तो सब्र करता है या शुक्र करता है, ये दोनों कैफियात दर हकीकत इस एतबार से मसावी है, ये भी इम्तिहान, ये भी इम्तिहान। ये हकीकत जब सामने होगी, अब वो पेंडुलम जो है वो बहुत कम हो जाएगा, यानी इंसान में तभी तौर पर तो एक असर होता है गैर इख्तियारी, किसी चींटी ने काटा आपके पांव पर, आप अपना पांव हटा लेंगे, इसमें कोई इरादा नहीं, ये रिफ्लेक्स एक्शन है, गैर इख्तियारी फेल। इस हद तक तो इंसान जरूर मुतासिर होता है, इससे तो कोई इंसान जो है वो बलंतर नहीं हो सकता। हजरत इब्राहिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुज़ूर के वो नौमौलूद फर्जंद इंतकाल जब हो रहा था, आपकी आंखों में आंसू आ गए। अब यह तभी असर है, एक फेल है, इंफियाली कैफियत है जो बिल्कुल तभी है, लेकिन यह नहीं कि इसकी वजह से इंसान की जबान पर कोई शिकवा आ जाए, कोई शिकायत आ जाए, यह नहीं होगा, यह ईमान के बनासी है। इसी तरीके से अगर कोई खुशी हुई है तो चेहरे के ऊपर एक निखार आ जाएगा, तबस्सुम आ जाएगा, इससे जायद नहीं। इस हद तक तो यूं समझिए कि इंसान का तभी तकाजा है, इससे ज्यादा यह पेंडुलम अगर स्विंग कर रहा है तो गोया के इस हकीकत से इंसान महजूब है कि यह भी इम्तिहान है, यह भी इम्तिहान, जो हम सूरह हदीद में पढ़ चुके हैं, मा असाब मिन मुसीबत फिल अर्द वला फी अनफुसिकुम इल्ला फी किताब मिन कबल अन नबराहा इन ज़ालिक अलल्लाह यसीर लिकै ला तअसौ अला मा फातकुम वला तफरहु बिमा आताकुम। अल्लाह तुम्हें कुछ दे तो इतराओ मत, अल्लाह तुमसे कुछ छीन ले तो उसके ऊपर अफसोस मत करो। इसका ये नतीजा ईमान का निकलना चाहिए। अगर तुम्हें ईमान है अल्लाह पर, अगर तुम्हें यकीन है कि जो कुछ हुआ है अल्लाह के इज़्ज़त के बगैर नहीं हुआ, अगर तुम्हें यकीन है कि अल्लाह ने जो मेरे लिए तय किया है उसमें मेरे लिए खैर ही है, चाहे फिलहाल फिल वक्त फौरी तौर पर मुझे नागवार महसूस हो रही है बात, लेकिन यकीन मेरे लिए इसमें खैर है मेरे रब की तरफ से कि हर चेसाती हमारे अल्ताफस। हम तो शॉर्ट साइटेड है, हम देख नहीं सकते किसी शय को, हम उसके जाहिर को देख कर घबरा उठते हैं कि ये तो तकलीफ आ गई, क्या पता उसी के पर्दे में अल्लाह की रहमत आ रही थी। मैंने वो रईस अमरोही के अशआर आपको कई दफा सुनाए हैं, वो वक्त आया कि हमको कुदरत हमारी सही और अमल का फल दे, बता रही है ये जुल्मत-ए-शब के सुबह नजदीक आ रही है,
अभी है कुछ इम्तिहान बाकी, फलाकतों के निशान बाकी, कदम न पीछे हटे कि किस्मत अभी हमें आजमा रही है। रईस अहले नजर से कह दो कि आजमाइश से जी ना हारे, जिसे समझते हो आजमाइश वही तो बिगड़ी बना रही है, इसी आजमाइश से तो बिगड़ी बनेगी, इसी से तो तुम्हारा खैर जो है उजागर होगा, सामने आएगा, पता चलेगा हू हु व्हाट इज व्हाट। अबू बकर में कितना यकीन और ईमान था, ये कैसे मालूम होगा, कैसे मालूम होगा कि बिलाल में कितना सहार, कितना तहम्मुल था, कितना सब्र था, अगर वो मुसीबत उन पर ना आती कि जो उमैया इब्न खल्फ के हाथों उन पर कयामत टूट रही थी। तो ये सारी चीजें जो है अगर इस हकीकत से महजूब हो जाओगे तो फिर इख्तियाल और फख्र और घमंड पैदा हो जाएगा तुम्हारे अंदर, या दूसरी तरफ मायूसी, कमरे हिम्मत टूट कर रह जाएगी, खुदकशी करने को इंसान आमादा हो जाता है, जरा कोई नाकामी दुनिया में आ गई, कोई तकलीफ आ गई। यह है दर हकीकत तीसरी मंजिल हिदायत की दूसरी सीढ़ी। पहला क्या था, निहाल गल्ला दलालम बईदा, कोई खैर मिल गया तो किसी देवी की निगाह करम, कोई तकलीफ आ गई तो किसी देवता की नाराजगी, ये तो है गल्ला दलालम बईदा, इससे ऊपर आए, ये पहली सीढ़ी हिदायत की है। इज्जत है तो अल्लाह की तरफ से, और अगर कोई जिल्लत है, तंगी है तो अल्लाह की तरफ से, ये हिदायत का आगाज हो गया, ये तौहीद की बुनियादी मंजिल है। इससे अगली मंजिल, यहां की जिल्लत जिल्लत नहीं, यहां की इज्जत इज्जत नहीं, ज़ालिका यौमुत तगाबुन, हार और जीत के फैसले का दिन तो कयामत का दिन है, वहां मालूम होगा जिसको उसरो इज्जत मिली वो इज्जत वाला है, जो उसरो जलील हो गया वो जिल्लत वाला है। ये तो इम्तिहान है, दारुल इम्तिहान है, खलक अल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ये तो दारुल इम्तिहान है, इम्तिहान होने के नाते दोनों बराबर है। इससे ऊपर है एक चौथी मंजिल, हिदायत की तीसरी मंजिल, वो क्या है। आमतौर पर इंसान ये समझता है कि ये जो आजमाइश है तंगी की और फक्र फाका की, ये सख्तर आजमाइश है, और नेमतों की बारिश हो तो ये आसान आजमाइश है। ये भी अभी गुमराही का एक परत जो है उसकी बाकी है, अभी हिदायत का जो कामिल जो होगा इंकशाफ वो कब होगा, जब इंसान इस हकीकत को जान ले कि जहां वसरत हो, जहां कसरत हो, वो ज्यादा बड़ा इम्तिहान है, सख्त इम्तिहान है, बजाय इसके कि अगर किल्लत है, कमी है, ये कम तर इम्तिहान है, ये कम भारी इम्तिहान है। क्यों? कि अगर आपके पास कसरत है, आपके अंदर गफलत पैदा हो जाएगी, कसरत का लाजमी नतीजा गफलत है, और अगर किल्लत है, मुश्किल गुजारा हो रहा है, तो अल्लाह याद रहेगा, रातों को गिड़गिड़ाएंगे, आसाइश में अल्लाह को भूल जाना ज्यादा मुमकिन है बल्कि मुतवक्के है, और तकलीफ में अल्लाह का याद आना ज्यादा मुतवक्के है, उसमें इंसान फरियाद करता है, अल्लाह से दुआ करता है, तो कौन सी चीज नतीजे के एतबार से बेहतर हुई। मालूम हुआ यह इम्तिहान जिसे आप हल्का समझ रहे हैं यह सख्तर है, अगर असल कामयाबी कयामत की और आखिरत की है तो यह इम्तिहान ज्यादा सख्त है बनिस्बत उस इम्तिहान की। अगर जो उस इम्तिहान की भी एक आखिरी शक्ल है जिसके बारे में हुज़ूर ने फरमाया कादल फक्र व यकून कुफरा, लेकिन आम हालात में यह समझ लेना चाहिए कि यह भी इम्तिहान, यह भी इम्तिहान। लेकिन अगर तंगी है, उसके लिए भी हदीस बड़ी प्यारी है, हुज़ूर ने फरमाया मा कल्ला व कफा खैरुम मिम्मा कसुरा व अल्हा, अगर कम हो लेकिन किफायत कर जाए, जरूरत पूरी हो गई, पेट को जितना दरकार था, जिस्म और जान का रिश्ता बरकरार रखने के लिए उतना मिल गया, नहीं कोई कई कई कोर्सेज के डिनर खाए हैं, नहीं कोई उसके अंदर जो है लज्जत है, लेकिन यह कि बुनियादी जरूरत पूरी हो गई, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ा, किसी के सामने इज्जत नफ्स को हथेली पर रखकर पेश नहीं करना पड़ा, मा कल्ला व कफा जो कम है लेकिन काफी है, खैरुन वो कहीं बेहतर है उससे, मिम्मा कसुरा वालहा जो हो तो बहुत लेकिन उससे गफलत तारी हो जाए, अल्हा को मुतकासुर, यह तकासुर तो इंसान को गफलत के अंदर मुबतला कर देने वाली शे है। यह है असल में कि जिसके लिए तारीखी एतबार से नोट कर लीजिए वाकया, इमाम अहमद इब्न हंबल रहमहुल्लाह उनकी तारीख का, उनकी जिंदगी का यह वाकया बहुत ही सबक आमोज है। खल्क़े कुरान के मसले पर जब खिलाफत बनी अब्बास के दौरान उन पर तशद्दुद हो रहा था, मारा जा रहा था, जेल में ताज़ीब प्रोसिक्यूशन, वो मार मारी जा रही थी जिसके बारे में आता है कि अगर हाथी को भी वो मार मारी जाती तो वो भी बिलबिला उठता, उस वक्त कभी उनकी आंखों में आंसू नहीं आए, एक सब्र और सबात और इस्तकलाल का पहाड़ खड़ा झेल रहा। फिर वो हुकूमत तब्दील हो गई, अब वो जो खलीफा वक्त है वो खुद उस मसले में उनके हम ख्याल है, अब इन्हें जेल से तो निकाल दिया गया। उसके बाद ये एक वक्त आता है कि दारुल खिलाफा से अशरफियों की एक थैली लेकर एक शख्स आता है, ये खलीफा ने आपको हदिया भेजा है, नजराना है, उस पर रो पड़ी और यह अर्ज किया बारगाह खुदाबंदी में, परवरदिगार मैं इस आजमाइश के काबिल नहीं हूं, यह आजमाइश कहीं सख्त है, ये सुनहरी आजमाइश, रुपहली आजमाइश, इसको रिजिस्ट करना जो है, टेम्पटेशन को रिजिस्ट करना ये कहीं मुश्किल है, उस प्रोसिक्यूशन और उस तशद्दुद को बर्दाश्त करने से। तो ये खास तौर पर यह निमाया निशान ज़हन में रखिए। तो इन आयात में के जो निहायत अहम है ये दुआएं कुरान मजीद की, बज़ाहिर सवाल आता है कि इसमें हरज की कौन सी बात है,
اللہ تعالیٰ معز ہے، اللہ تعالیٰ مذل ہے، تعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر، یہ سورہ آل عمران میں آیت آئی کہ نہیں آئی؟ لیکن یہ کہ اصل میں یہ چار درجے ذہن میں رہنے چاہیے، اگر آسانی ہو، عزت ہو، دولت ہو، فراوانی ہو تو کسی دیوی کی نگاہ کرم یا دیوتا کا کرم، تکلیف ہو، مصیبت ہو تو کسی دیوی یا دیوتا کا اظہار غضب، ناراضگی کا مظہر، اس سے اوپر آئے جو عزت دی ہے اللہ نے دی ہے، مجھے اللہ نے باعزت کر دیا دنیا میں، اور یہ ذلت اللہ نے مجھے ذلیل کر دیا، اس کے اعتبار سے یہ ہدایت ہے، توحید تو آ گئی، لیکن ابھی گمراہی کا ایک ایلیمنٹ شامل ہے۔ وہ گمراہی کیا ہے کہ نہ یہاں کی عزت عزت ہے، نہ یہاں کی ذلت ذلت ہے، وہ جو بھی سردی گرمی اور نرمی سختی، ان تمام کو جو ہے وہ برابر رکھو کہ دونوں جو ہے یہ آزمائش کی کیفیتیں برابر ہیں، یہ ہو گئی گویا کہ اس سے ایک درجہ بلند۔ ابھی اگر ذہن میں آپ کے یہ ہے کہ یہ فراوانی اور دنیا میں نعمتوں کی بارش اگر ہو رہی ہو تو اس کو سمجھنا کہ یہ ہلکی آزمائش ہے، اور اگر فقر و فاقہ ہو، تنگی ہو، گمنامی ہو، اور دنیا کے میں کوئی حیثیت اور اہمیت حاصل نہ ہو تو یہ گویا کہ زیادہ سخت امتحان ہے، تو ابھی گویا کہ گمراہی کا ایک ایلیمنٹ موجود ہے۔ حقیقت منکشف ہوگی جبکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ یہ امتحان جو ہے نعمتوں والا امتحان یہ سخت تر ہے، اور فقر اور احتیاج والا امتحان یہ نسبتاً آسان ہے، اس میں اللہ کی طرف رجوع کی توقع زیادہ ہے، اس میں غفلت کا اندیشہ زیادہ ہے۔